श्री राम समर्थ मार्च 18 गृहस्थी में भगवान का अनुसंधान रखो। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनमें से कोई भी मुझसे कहे कि आपके प्रयास किस लिए है। हर कोई सुख के लिए प्रयास करता है, गृहस्थी में सुख प्राप्त हो ऐसी सबकी इच्छा होती है और उसके लिए हर कोई प्रयत्न करता है, किंतु आज तक गृहस्थी में किसको सुख मिला है। जिसे सुख मिला हो वह वैसा कहे। कोई कहता है मेरे पास धन दौलत है लेकिन संतान नहीं है। कोई दरिद्रावस्था है इसलिए रोता है। कोई कुछ कहते ही रहता है और कहता है कि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं सुखी बनूंगा, लेकिन पहली इच्छा पूर्ति होने पर दूसरी तैयार ही होती है। अर्थात हमारी लोभ की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, हमारा लोभ कम नहीं होता। मृगजल पीकर क्या कभी कोई संतोष पा सकता है? गृहस्थी ही जहाँ असत्य है वहाँ सुख कैसे प्राप्त होगा? इसका मतलब यह नहीं कि आप गृहस्थी का त्याग करें, किंतु यह जरूर देखा जाए कि गृहस्थी सुखदायक कैसे होगी। मैं तुम्हें निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि आप गृहस्थी सुखदायक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही उपाय है, वह बहुत आसान सरल भी है। वह उपाय है गृहस्थी मेरी नहीं प्रभु राम की है ऐसा कहना। यह वाक्यतः बहुत आसान लगता है किंतु आचरण में अत्यंत कठिन है। परमात्मा की कृपा के सिवाय यह सधेगा नहीं, इसके लिए प्रभु राम की शरण में जाना आवश्यक है, तब उसकी कृपा होगी। उसकी कृपा में देह बुद्धि का बांध न बांधे, सब कुछ भूल कर भगवत भक्ति में लीन हो जाए। ऐसा कहना चाहिए कि मुझ पर भगवान की कृपा है ही, उसकी कृपा तो अपना कार्य करती ही है। हमें अपनी शंका कुशंकाओं से उसे आवृत नहीं करना चाहिए। हम भगवान को यह कहे कि भगवान मैं तो पूर्णतया तेरा ही हूँ, मेरी गृहस्थी भी आप ही की हैं, तेरी भक्ति कैसे की जाए यह मैं नहीं जानता, तू ही मुझे रास्ता दिखा। तुम जो करोगे उसमें मैं सम्मिलित हो जाऊंगा, ऐसी हृदय से प्रार्थना करे। फिर वह जैसी परिस्थिति में रखेगा उसमें हमें संतोष रखना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। तुम इतने परिश्रम करके मुझसे मिलने के लिए आते हो और खाली हाथ से लौटते हो, यह देखकर मुझे दुख होता है। मेरे पास जो है वह आपको व्यावहारिक जगत में कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा, और जो मैं कहता हूँ वह है भगवान का नाम और उसके प्रति प्रेम। जो संतों ने कहा है वही मैं कहता हूँ, वह सत्य है ऐसा ईमानदारी से समझो। सत्य ही कहता हूँ कि प्रभु राम तुम्हें सुख देगा। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान का और नामस्मरण का प्रेम निश्चित रूप से मिलेगा। आज का मुख्य विचार, सुख से गृहस्थी करो लेकिन उसमें भगवान का अनुसंधान रखो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।